कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीडियो पर मचा जबरदस्त सियासी बवाल। भारत छोड़ो यात्रा में देखी गई राहुल गांधी की लड़खड़ाती हुई चाल। राहुल को देखकर पहलवान बबीता फोगाट का हो गया पारा हाई। बबीता ने हरियाणवी कहावत सुनाकर बोला, सारा नशा उतर जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा अब राजस्थान के बाद भाजपा शासित राज्य अब हरियाणा पहुंच चुकी है। बुधवार की सुबह राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर फ्लैग एक्सचेंज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने हरियाणा प्रमुख के हाथों में भारत छोड़ो यात्रा का तिरंगा सौंप दिया गया। हालांकि दोस्तों, हमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इस कार्यक्रम में अजीबोगरीब बर्ताव देखने को मिला, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बारे में अब तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर दंगल खेलती बबीता ने यहां तक बोल दिया कि हाथ तोड़कर हाथ में दे देंगे, सारा नशा एक मिनट में उतर जाएगा। हरियाणा की बबीता फोगाट को दोस्तों कौन नहीं जानता। दंगल खेलने वाली बबीता भारत को कुश्ती के खेल में अब तक कई मेडल जिता चुकी है। हरियाणा की दंगल खेलने वाली बबीता को देखकर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हीरो आमिर खान ने ही दंगल फिल्म बनाई थी। अब इन्हीं बहनों में से एक बहन अब बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई है, जो रिंग में विरोधियों को धूल चटाने के बाद अब बीजेपी के विरोधियों को भी सियासी मैदान में जबरदस्त धूल चटाने में लग गई है। तभी तो जब राहुल गांधी अपनी भारत छोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा की ओर पहुंचे, तो बबीता फोगाट ने तो जैसे उनके खिलाफ हल्ला ही बोल दिया। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें राहुल गांधी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और साथ ही वो नशे में हैं। इसके चलते राहुल पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो में तो मानो राहुल अपने पैरों पर सीधे खड़े तक नहीं हो पा रहे। राहुल की इस वीडियो को वायरल होता देखकर बीजेपी नेता और बबीता फोगाट ने जबरदस्त तंज मारते हुए लिखा कि ये हरियाणा है, इटली नहीं। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जे भाई के द्वारा हाथ लगा दिया ना, तो हरियाणा आले हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे, सारा नशा उतर जाएगा। अब यही बात कांग्रेस के समर्थकों को चुभ गई। खासकर पत्रकार होने के बावजूद अक्सर कांग्रेस की पहलू करते हुए नजर आने वाले वासीम को बबीता की बात इस कदर बुरी लगी कि उन्होंने बबीता को दो कोड़ी की बोलते हुए कह दिया कि ये है कौन। कोई भी एरा गेड़ा दो कोड़ी का बंदा कुछ भी बोल देता है। बबीता को चार लोग भी अच्छे से नहीं जानते थे, वो तो भला हो आमिर खान का, जो इनकी दाल रोटी का जुगाड़ कर दिया एक फिल्म देकर। बबीता ने भी वासीम पत्रकार को जवाब देते हुए लिख दिया कि ये तो आपका ट्वीट देखकर ही समझ आ जाएगा लोगों को कि कोई भी एरा गेड़ा दो कोड़ी का बंदा कुछ भी बोल सकता है। रही बात दाल रोटी की, तो वो मेरी मेहनत ने दिलाई है। जितने ट्वीट और रीट्वीट तुम अपने अफवाहों के करते हो, उससे ज्यादा तो कुश्ती खेल कर ये इज्जत कमाई है, तुम्हारी तरह धर्म बदल कर नहीं। बबीता के बाद बीजेपी प्रवक्ता तजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने भी वापिस पत्रकार को जवाब देते हुए कहा, सही बोला कन्वर्टेड भाई, आमिर खान कुश्ती ना सिखाता तो बेचारी मेडल भी ना ला पाती। बबीता से पंगा लेने के लिए जल्द ही साथ के साथ करारा जवाब मिल गया। राहुल की वीडियो को लेकर जो बवाल सोशल मीडिया में फैला हुआ है, दरअसल उस वीडियो में राहुल गांधी मंच पर अजीब व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। राहुल के साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे, जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। एक कार्यकर्ता राहुल के साथ खड़ा था, वह सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहुल एक ही झटके में उसका मोबाइल उसके हाथ से झटका देते हैं। जब राहुल वहां से जाने लगते हैं, तो जाते समय लड़खड़ाते हुए नशे में लग रहे थे। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है दोस्तों? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मर रहे पाकिस्तान का मोदी से हुंकार। दोस्तों, जिस तरह से पीओके वापस लाने के लिए भारत ने बिगुल बजा दिया है, उसी तरह से अब पाकिस्तान में एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए था, जब मसला पीओके का हो, लेकिन अब बात कुछ हो रही है और बिल्कुल विपरीत बात हो गई है। दोस्तों, अब वहां के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में वहां पर बाढ़ आई थी और हाल ही में रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दरों पर तेल बेचने से इनकार किया था, और इन सब के बीच वहां के लोगों में इतना गुस्सा है कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वहां के लोग मतलब कुल मिलाकर बोले तो अब हर पाकिस्तानी भारत से मदद मांग रहा है, और केवल भारत से बोल रहा है कि भारत उसे बचा ले। दोस्तों,
अब इन सब के बाद आखिर पाकिस्तान इतना ताकतवर क्यों और कैसे खड़ा है, और पाकिस्तान कैसे भारत को टक्कर देने के लिए अभी भी वह आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि उसे पीछे से सपोर्ट करने वाले दो तीन देश का भी भंडाफोड़ हो गया है। उसमें सबसे पहला देश है, आप खुद कमेंट करके बताइए, और हमें पता है आप यही कमेंट करेंगे ना, चाइना। तो जी हाँ, आपको बता दें कि वह देश चाइना ही है। उसने अब भयंकर सपोर्ट देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत का जिस तरह से एम है कि वह पीओके वापस ले आए, तो उसी तरह से कुछ चाइना का एम है कि वो पीओके को भारत में नहीं जाने दे, क्योंकि पीओके में ही चाइना ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं। वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे उसे भारी आमदनी होती है, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने इसे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और ये भारत का हिस्सा है, और जो बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है उसकी भारत अब धज्जियां उड़ा देगा। दोस्तों, चीन नहीं चाहता है कि भारत को एक इंच भी जमीन मिले, क्योंकि वह जानता है कि भारत एक दिन उसके लिए काल बनकर उभरेगा। आपको बता दें कि मर रहे पाकिस्तान का पीएम मोदी को हुंकार आया है कि वह उसकी मदद करे और उसे बचा ले, लेकिन अब मोदी सरकार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हरकतें ही कुछ ऐसी करता है कि उसे सपोर्ट कौन करे, चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, हर जगह वह अपनी आतंकवादी गतिविधियां, यानी कि यहीं से निकलकर लोग आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, इंगेज्ड रहते हैं, जिस वजह से इनोसेंट लोगों की जान जाती है। दोस्तों, अब पाकिस्तान में रहने वाला हर एक इंसान परेशान है, और वह पीएम मोदी का गुणगान करते हुए भारत से मांग रहा है मदद। वह पाकिस्तान की सरकार से इतना ज्यादा उब गए हैं और परेशान हो गए हैं कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे। आखिर उम्मीद जो पाकिस्तान ने लगा रखी थी वह ये थी कि वह भारत के साथ ट्रेडिंग करके आर्थिक संकट से बच जाएगा, लेकिन अब उसके लिए भी पीएम मोदी ने मना कर दिया है। और आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के लोगों के बीच काफी ज्यादा गरीबी छा गई है, क्योंकि वहाँ के किसान बस थोड़े बहुत मुनाफे के लिए अपने प्रोजेक्ट भारत में बेचना चाहते थे। ऐसे में अब पाकिस्तान के वह लोग जो एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं, वह सीधे तौर पर पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कि क्या मोदी सरकार को ऐसे पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए जो पाकिस्तान 26/11 और पुलवामा अटैक जैसे तरह तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है? क्या ऐसे पाकिस्तान की पीएम मोदी को मदद करनी चाहिए या नहीं? और इसी बीच अभी पीओके मसला बीच काफी ज्यादा तेजी से सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पाकिस्तान खुद ब खुद पीओके भारत को सौंप दे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।